Assalamu alaikum YouTube. Welcome to Gateway Info Network. Great warrior in Islam, Nuruddin Jangi. यूरोप की बहसी दरिंदा फौज सन 1099 में मजहबी पागलपन की सहारे मुस्लिम जहान के खिलाफ क्रूसेड द होली वार की शुरुआत किया। अचानक खुखार हमले के साथ सिलसिलेवार बहसियाना जंग से मुस्लिम जहान तहस नहस हो गया। मुस्लिम जहान टुकड़ों में बिखर गया और बाद में छोटे छोटे रियासत में तब्दील हो गए। लेकिन महान अल्लाह ताला इस्लाम की खिदमत के लिए नूरुद्दीन जंगी को मुस्लिम जहान की मसीहा बना के भेजा। अब्बासी खिलाफत, हतीमी खिलाफत, सल्जुक हुकूमत और बाकी तमाम छोटे छोटे सीरियन रियासत को एक जमात पे खड़ा करके सन 1145 में नूरुद्दीन जंगी सलीबी क्रुसेडर्स के खिलाफ ऐलान जंग के आगाज किया। मुस्लिम जहान की हर मुल्क को दुश्मनों की खून से पाक करते हुए सेकंड क्रुसेड को फतेह कर दिया। सिर्फ जेरूसलम को छोड़ के बाकी तमाम मुस्लिम जहान की सरहदों से यूरोपियन सलीबी क्रुसेडर्स को मिटा दिया गया। सेकंड क्रुसेड को फतेह करने से मुस्लिम जहान को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की शक्ल में एक नई महानायक मिल गया। सेकंड क्रुसेड की शिकस्त बहसी आतंकवादी बाहरी सलीबी क्रुसेडर्स को और खुखार बना दिया। इंतकाम की आग में जलते हुए हर तरह की गिरे हुए साजिश को अंजाम देना शुरू। अजीम नेक किरदार इस्लाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सीरिया की सुल्तान बन के हर लम्हा दुश्मनों की साजिश को समझने की कोशिश कर रहा। रात को नींद में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक ख्वाब देखा। सुल्तान को ख्वाब में शाने कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार हुआ। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और दो शैतानी शक्ल वाला औलादे इबलीस को भी देखा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पाक ख्वाब में दीदार रसूल के दौरान रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन ये दो जालिम मुझे बहुत परेशान कर दिया, तुम इनको रोको। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नींद खुल गया। ख्वाब के मतलब समझने की कोशिश में दो रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगा। दूसरे रात को भी रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, साथ में वही दो बहसी शक्ल वाला भी मौजूद था। पहली ख्वाब की शिकायत फिर से दोहरा दिया गया। फजर की वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने सलाहकारों से मशवरा किया, ख्वाब के मतलब को समझने की कोशिश किया, लेकिन समझने में पूरी तरह कामयाबी ना मिला। नतीजतन मदीने की सफर में निकल पड़े। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को यकीन था शहर मदीना की पाक मस्जिद नबवी की दीदार जियारत उनकी ख्वाबों की मकसद को जरूर साफ कर देगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना शहर की गवर्नर को अपनी ख्वाब बयां किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आजीम आंखें मदीने की आवाम और मुसाफिरों की भीड़ में वही दो घिनौना चेहरे को ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी वो ख्वाबों वाला दो शक्ल देखने को नहीं मिल रहा। आखिरकार सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तमाम मदीने की आवाम और मुसाफिरों को एक साथ दावत पे बुलाया। दावत पे लोग आते गए, खाना पीना खाते हुए रुखसत होते गए, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को अपनी तलाश का वो दो चेहरा अभी तक दिखा नहीं। क्या मदीने में मौजूद हर शख्स दावत में शामिल हो गया था, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूछा। सुल्तान की तलाशी मिशन में शामिल लोगों ने जवाब दिया, जी हाँ सुल्तान, लेकिन दो मुसाफिर जो पास में ही अपनी ताबू में रहते हैं वो आज की दावत में शामिल नहीं हुआ। वैसे ही वो दोनों मुसाफिर ज्यादा बाहर नहीं आते, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और फिर से वापस अपनी खेमा में चले जाते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बोले, मुझे उनकी खेमा तक ले चलो। खेमा के दरवाजे में खड़े सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सलाम पेश करते हुए पूछा, आप दोनों दावत में शरीक क्यों नहीं हुए। खेमा के अंदर से जवाब आया, हम मुसाफिर हैं, लेकिन काफी मालदार है, इसलिए हम दावत में शामिल नहीं हुए, हम सिर्फ इबादत में ही ज्यादा वक्त बिताते हैं। अचानक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खेमा के अंदर दाखिल हो, जैसे ही उनकी नजर सामने मौजूद दो मुसाफिरों के चेहरे पे पड़े, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खुद हैरत में पड़ गए। यही वो दो शख्स है जिनको सुल्तान ख्वाब में रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुक्म दिया, ये दोनों मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया जाए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खेमे की हर चीजों को बारीकी से परखने लगे।
हर जर्रे जर्रे को टटोल के देखा, लेकिन शक पैदा करने लायक कोई भी चीज नजर में नहीं आया। फिर अचानक जमीन पे बिछा हुआ चटाई को हटाते ही खुदी हुई सुरंग का प्रवेश द्वार नजर आया। मदीना शहर में मुसाफिरों के खेमे में खुदी हुई सुरंग में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खुद दाखिल होके चलते गए। सुरंग की दूसरी ओर सीधा रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा मुबारक तक आ पहुंचा है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को अपनी ख्वाब की जेरो जबर तक समझ में आ गया। अफसोस और गुस्से से आंखों में आंसू आ गए। सुरंग से बाहर आया और शक्ति के साथ पूछा, कौन हो तुम दोनों? कौन सा मकसद से मुसलमानों की भेष में मदीने में दाखिल होके सुरंग बना रहे थे? सुल्तान के हाथ में नंगे तलवार को देख के अब दुश्मन इस्लाम दोनों बोल उठे, हम दोनों यहूदी हैं, सलीबी क्रुसेडर्स की भेजा हुआ काबिल जासूस हैं हम। सेकेंड क्रुसेड की हर जंग में शिकस्त खाने के बाद सलीबी क्रुसेडर्स हुकूमत ने ये साजिश रचा कि मुसलमानों से उनके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिस्म को ही चुरा लो। जब मुसलमानों के पास उनके पैगंबर ही नहीं रहेगा तो मुसलमान फौज अपनी हिम्मत और जुनून खो देगा, मुसलमान फौज में जंग लड़ने की नियत ही खत्म हो जाएगा और हम सलीबी क्रुसेडर्स मूली गाजर की तरह तमाम मुसलमानों को कत्ल करके दुनिया से ही मिटा देंगे। सलीबी क्रुसेडर्स की साजिश को देख के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने तलवार की एक ही वार से दोनों दुश्मन जासूसों की गर्दन उड़ा दिया। मिल्कियत इस्लाम शान कायनात रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा मुबारक का हिफाजत हुकूमत इस्लाम की फर्ज है। अलबत्ता रोजा मुबारक की 14 हाथ का दूरी से चारों तरफ 40 हाथ गहरे गड्ढे खोद के 3 हाथ चौड़ा पिघलते हुए शीशे को डाल दिया। पिघला हुआ शीशा 3 हाथ चौड़ा 40 हाथ गहरी एक मजबूत हिफाजती दीवार की शक्ल में कायम हो गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बनाया हुआ हिफाजती दीवार आज भी मिल्कियत इस्लाम की हिफाजत में कायम। मुस्लिम जहान की अजीम महानायक किरदार तारीख सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार की साथी बनिए।